ग्लानि रहनी चाहिए, आवश्यक है, बहुत आवश्यक है कि वो ग्लानि बनी रहे, क्योंकि वो अगर मिटी तो तुम पुनः वही करोगे जो तुमने किया। मैं नहीं पक्षधर हूं ये कहने का कि तुम जैसे हो अपने आप को स्वीकार कर लो, फिर आध्यात्मिक प्रगति नहीं होने की। मैं तो कहता हूं कि तुम्हारे भीतर बड़ी तड़प होनी चाहिए, ऐसी छटपटाहट कि तुम्हें नींद ना आए। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि बी योर सेल्फ और क्या क्या जुमले चलते हैं, एक्सेप्ट एज सेल्फ एज यू आर और लव योर सेल्फ द वे यू आर एंड यू का यू 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 डोंट नीड टू लीड समबडी एल्सेस लाइफ, यू डिजर्व द बेस्ट, आई एम वॉट आई एम। मैं कहता हूँ ये सुनना ही महापाप है ये बातें। नहीं, तुम या तो ये कह दो कि 900 चूहे खा लिए हैं तो अब बिल्ली का जीवन व्यर्थ है, पर अगर तुमने ईमानदारी से ये कहा तो बिल्ली को अगला दिन देखना नहीं चाहिए, बिल्ली को तत्क्षण प्राण त्याग देने चाहिए। पर बिल्ली जिए तो जा रही है ना, तो क्यों जी रही है फिर? तुम जी ही क्यों रहे हो? अगर तुम इतने ही निराश हो चुके हो जीवन से तो क्यों जी रहे हो? जाओ खत्म कर दो। फिर आशा है? आशा का मतलब ये नहीं होता कि आशा करनी चाहिए, मतलब है ना, लेकिन है कि नहीं है? ये है कि कुछ ये घुमाएगा ताकि जिम्मेदारी ना लेनी पड़े। मतलब मैं जिस तरह से महसूस करता हूँ कुछ बड़ा पाने का हकदार। यहाँ क्यों आया? 900 चूहे खाने? नहीं, कुछ भी जानने, पता नहीं कुछ भी जानने तो नहीं आते यहाँ पे। कुछ भी जानना हो तो विकिपीडिया पढ़ लो, कुछ भी जानना हो तो व्हाट्सएप पढ़ लो, जाके किसी होल्डिंग को पढ़ लो, वहाँ कुछ भी जान जाओगे। कुछ भी जानना हो तो बाहर ड्राइवर बैठा जाओ, उससे बात कर लो, कुछ भी जान जाओगे। पहली बात तो ईमानदारी, यहाँ क्यों आए? तुम कुछ भी जानने नहीं आए हो। आशा का दीपक तो जल रहा है और जीवन सुधारने की ललक तो है, इसलिए यहां बैठे हो, ठीक। और दोनों बातें हैं, हम दोनों को देख रहे हैं, दोनों में अपने अपने तल की वैधता है। पहली बात 900 चूहे खाए और दूसरी बात वैसा ही नहीं रह जाना है। हमारे साथ समस्या ये है कि हम जब पहली बात मान लेते हैं तो दूसरी से हमारा बल खत्म हो जाता है। दूसरी बनी रहे इसके लिए जरूरी है कि हम पहली बात को लेकर झूठ बोले। तुम समझो बात को, तुम अहंकार और आत्मा दोनों हो और एक साथ, इसीलिए कह रहा हूं कि जल्दी से मत बोल दिया करो कि मैं आत्मा मात्र हूं। पूरा आदमी वो है जो एक तरफ तो ये स्वीकारे कि मुझसे ज्यादा पापी कोई नहीं और दूसरी तरफ ये भी कहे कि पाप मेरी नियति नहीं, 900 चूहे खाए हैं मैंने, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं, और साथ ही साथ ये भी कहे कि पाप मेरी नियति नहीं, ये जो हुआ वो हुआ जरूर, मैं उसे नकारूंगा नहीं, वो बिल्कुल हुआ, पर वो मेरा स्वभाव नहीं, वो मेरा कर्तृत्व तो नहीं, मैंने नहीं किया था, मुझसे किसी ने करवा दिया था, न वो मेरा स्वभाव है, न मेरा कर्तृत्व तो है, न मेरा अंत है। वो हुआ जरूर है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो हुआ तो, क्योंकि अगर तुमने झूठ बोल दिया तो फिर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। पहले तो माना कि हाँ 900 चूहे खाए, और फिर ये भी माना कि चूहा बिल्ली के गेम में उलझे रहना मेरी नियति नहीं। बहुत क्षुद्र खेल है ये, चूहा बिल्ली, बिल्ली चूहा कुत्ता, इसमें ही उलझा रहूंगा। दोनों बातें एक साथ माननी है, मैं अहंकार भी हूं गहरा काला, और मैं आत्मा भी हूं शुद्ध निर्मल,
अब ये दोनों बातों को एक साथ मानना मन के लिए असंभव है, क्योंकि मन या तो काला देखता है या फिर सफेद देखता है। समस्त कालिमा के बीच रोशनी है, ये तुम समझ ही नहीं पाते, तुम पकड़ ही नहीं पाते। तो तुम्हें जब रोशनी की बात करनी होती तुम कालिमा छुपाने की कोशिश करने लग जाते हो। इसीलिए तुम जब मंदिर में जाते हो तो तुम बिल्कुल कुछ और होने की कोशिश करने लग जाते हो, जो तुम हो ही नहीं। और जब तुम पाप में उतरते हो तो तुम आत्मा को बिल्कुल भूल जाते हो, जो संभव नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए जीवन एक आयामी है, एक पक्षी है। तुम्हें लगता है अगर अहंकार है तो आत्मा हार गई। अरे भाई, अहंकार है तो भी आत्मा है, ये दोनों सदा साथ हैं। तुमने आत्मा को अहंकार का विपरीत बना लिया है, तुम नैतिकता के खेल में उलझ गए हो, तुम विपरीतों के द्वैत के खेल में उलझ गए हो। तुम्हें लगा है कि अच्छाई बुराई का विपरीत होती है, अच्छाई बुराई का विपरीत नहीं होती, बुराई का विपरीत होती है एक दूसरे तरह की बुराई। अच्छाई तो वो आसमान है जिसमें 50 तरह की बुराइयां रहती हैं, लेकिन अच्छाई का कुछ नहीं बिगड़ता। बुराई का विपरीत दोहरा रहा हूं, अच्छाई नहीं होती, बुराई का विपरीत होती है एक दूसरी तरह की बुराई। तो तुमने जहां ये कहा कि मैंने 900 चूहे खा लिए, तहां तुम्हें लगता है कि अब तो मैं आत्मा के लिए अमान्य हो गया, अपात्र हो गया, डिस्क्वालिफाइड हो गया। ऐसे ही लगता है ना, ऐसे ही लगता है ना। जैसे तुम बोलते हो कि प्रभु तुम्हारे मंदिर में कैसे आऊं, मैं तो बड़ा गंदा हूं, ऐसे ही लगता है ना कि मैं तो 900 चूहे खा चुका हूं, अब मुझे कौन सा मुक्ति मिल जानी है। पागल, तुम्हें तब भी मुक्ति थी जब तुम 900 चूहे खा रहे थे। अहंकार इतना बड़ा नहीं होता कि वो आत्मा को दबाई दे, आत्मा तब भी थी। तुम बस जरा गलत जगह जुड़े हुए थे। तुमने अपना अड्डा जरा गलत चीज को बना रखा था। आ रही बात समझ में? तुम्हें दोनों का स्वीकार करना है साफ साफ, बिना लाग लपेट के। पहली चीज कौन सी माननी है? मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं। और दूसरी चीज तुम्हें क्या माननी है? आत्मा का प्रकाश मुझ में वैसा ही चमक रहा है जैसा कृष्ण में और कबीर में चमका था। ये दोनों बातें एक दूसरे की विपरीत नहीं है, ये दोनों बातें एक साथ हैं। आज हुमायूं के मकबरे में खड़ा था, सुंदर कृति है, बढ़िया। तो मैंने देखा कि एक इतना सुंदर भवन है और वो बस 100 मीटर दूर से भी दिखाई नहीं देगा। उसको बनाया ऐसा गया है कि उसके चारों ओर बड़ी दीवारें हैं, और मैं आखिरी दीवार की बात नहीं कर रहा। हमने भी जो सत्र करा था, हम जहां बैठे थे वहां से मकबरा कहां दिख रहा था? जैसे बनाने वाला कह रहा हो कि जब बहुत निकट आओगे तभी दिखेगा, रहेगा हमेशा पर दिखेगा नहीं। उसके चारों तरफ दुनिया डोल रही है, कितनी सड़कें हैं उसके चारों तरफ, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। परमात्मा वैसा है, आत्मा वैसी है, उसी के चारों तरफ दुनिया का सारा कारोबार चल रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। तुम कारोबार देख के सोचते हो अरे आत्मा से दूर आ गए। भाई, कारोबार है तो आत्मा है। ये ऐसी सी बात है कि जैसे हुमायूं स्टोम की पार्किंग देखकर कोई सोचे यहां तो बस कारें ही कारें हैं, मैं भवन से जाने कितनी दूर आ गया, वही समझ ही नहीं रहा है कि पार्किंग ही प्रमाण है भवन का। भवन ना होता तो पार्किंग काहे को होती भाई? पर तुम पार्किंग देख के सोच रहे हो मैं तो चूक गया, भूल गया। आत्मा ही
तो आधार है अहंकार का। आत्मा ना होती तो तुम गलतियां भी कैसे करते? तुम्हें गलतियां करने की छूट भी आत्मा नहीं दी है। ऐसे ही कैसे वैसे क्या होता है? अब ये पूछेगी मकबरे का पार्किंग से क्या लेना देना? ये तो बात सही है बिल्कुल, मकबरे का पार्किंग से क्या लेना देना, उसके तो अंदर लोग पार्क्ड हैं। पता है ना उसके अंदर 100 जने हैं, बिल्कुल 100। तुम्हें क्या लगता है बस हुमायूं हुए? मुगलों का पूरा खानदान है उसके अंदर। दे दिया लो, मजे करो मजे। हाँ कहते हैं कि उसका स्वभाव है खेलना, इसीलिए तो तुम्हारा स्वभाव भी क्या है खेलना। उसका स्वभाव है खेलना, इसीलिए तुम उसके बच्चे हो, तुम्हारा भी वही स्वभाव है। देखते नहीं उस खेलने में कितना मजा आता है? सबसे ज्यादा मजा काहे में आता है? खेलना। आओ खेले, तो खेल रहा है, खेल के अलावा कुछ जानता नहीं। वो मध्य में है, उसके चारों ओर जगत का लगातार कारोबार चल रहा है, और वो लगातार मध्य में, वो यहां के भी मध्य में, वहां के भी मध्य में, वहां के भी मध्य में, वो एक ही जगह पर नहीं है कि मध्य इसको कहते हैं। तुम जहां हो मध्य वहीं है, करोड़ों मध्य हैं, हर जगह एक मध्य है। जैसे मकबरा मध्य में था और उसके चारों ओर इतना बड़ा शहर कारोबार चल रहा है। अब आत्मा कोई मकबरा नहीं होती, पर इशारा समझना, उदाहरण भर दे रहा हूं, और दिखाई नहीं पड़ रहा। सड़क पे आ जा लोग रहे हैं, किसी को खबर भी है कि यहां पे क्या है? बोलो, सड़क वालों की छोड़ दो, जो अंदर बैठे थे उन्हें ही नहीं दिख रहा जब तक कि उसके ठीक सामने न खड़े हो जाओ। और ठीक सामने खड़े हो जाओ तो अचानक से जैसे उतरता है, अवतरित होता है, तुम कहते ये भी था, हम तो उधर बैठे थे बेंच पर, कुछ दिख नहीं रहा था। जब आखिरी द्वार पार करके इसके सामने खड़े हो गए तभी अचानक दिखाई दिया, जैसे आविर्भूत हुआ। तो उतरा है क्या भाई अभी उपयुक्त? वो उतरा नहीं है, वो हमेशा से था। पर उपनिषदों से पूछो तो कहेंगे कि सत्य का मुंह जैसे सोने जैसी आभा से छुपा हुआ है, स्वर्णिम प्रकाश से छुपा हुआ है। किससे छुपा है ये बात छोड़ो, पर इतना तो समझा ही रहे हैं कि सत्य छुपा हुआ है, वो अपने ही प्रकाश से छुपा हुआ है। जैसे सूरज है, वो अपने ही प्रकाश के कारण छुपा हुआ है। तुमने चांद खूब देखा होगा, सूरज कब देखा? चांद तुमने खूब देखा है, सूरज देखा है उतना? और सूरज को तुम नहीं देख पाते जबकि सूरज ही तुम्हें देखने की शक्ति देता है। कितनी अजीब बात, सूरज के बिना तुम कुछ देख नहीं सकते, पर सूरज को देखोगे और 2 मिनट देख लिया तो क्या होगा? अंधे और हो जाओगे। ये कितनी अजीब बात है, जिसके कारण देख पाते हो उसको ही देखना बड़ा मुश्किल है। उगा नहीं होता, या तो सूर्यास्त पे देख लोगे, सूर्योदय पे देख लोगे, तब देख लोगे। पर जब वो अपने पूरे रुआब में है तब जरा उसको देख के दिखाओ, और देखोगे भी तो क्षण भर को, फिर कहोगे आंख जली। तो ऐसी है आत्मा, उसके कारण सब कुछ है पर वो नहीं दिखाई देती। जो भी चल रहा है, चाहे 900 चूहे खा रहे हो तुम, चाहे महापाप कर रहे हो तुम, वो सब कुछ अंततः आत्मा से ही आ रहा है, उसी के बच्चे हो, उससे बहुत दूर तुम जा नहीं सकते। तो दोनों बातें याद रखना, पहली बात मैं बहका हुआ हूं, और दूसरी बात पहली बात को पूर्ण करेगी, मैं बहका हुआ बच्चा हूं। किसका? बहका हूं, ये बात बिल्कुल सही है। 900 चूहे खाई, ये बात बिल्कुल सही है। ये भी बात सही है कि 900 चूहे खाने के बावजूद हूं तो मैं वही, और वो हूं
लेकिन 900 चूहे खा रहा हूं, कुछ तो बदलेगा। 1000 भूलें की हैं पर भूल मेरा परिचय नहीं, मेरा परिचय है आत्मा। तो एक मेरा वो परिचय है जो तात्कालिक है, और वो परिचय क्या है? मैं भूला हुआ हूं, ये मेरा तात्कालिक परिचय है। और मेरा शाश्वत परिचय क्या है? मैं वो जो भूल कर ही नहीं सकता। कभी कभी तात्कालिक परिचय में भी जी लिए, लेकिन कौन अपने शाश्वत घर से बहुत दूर रहना चाहता है? एक फॉर्म भी भरते हो तो पूछते हैं परमानेंट एड्रेस। ये अजीब बात है कि तुम होटल में रहने गए हो तो तात्कालिक रूप से रह कहां रहे हो, लेकिन जहां रह रहे हो वो भी ये पूछ रहा है कि रहने वाले कहां के हो। तुम्हें कभी अचंभा नहीं हुआ कि तुम होटल में गए हो और तुमसे भरवा रहा है कि कहां के हो, तो तुम कह दो कि आपके यहां के कमरा नंबर 502। आप जानते नहीं कि आप ही तो दे रहे हो, आप ही कमरा दे रहे हो और आप ही पूछ रहे हो कि अपना पता बताओ। हमारा तो पता वही जो तुम दे रहे हो, पर जो भी तुम्हारा तात्कालिक पता है, टेम्पोरेरी एड्रेस है, वो तुम्हारा पता माना ही नहीं जाएगा। वो कमरा नंबर 500 तो क्या है तुम्हारा? तो टेम्पोरेरी एड्रेस एड्रेस है ही नहीं। टेम्पोरेरी एड्रेस को तो वो टेम्पोरेरी एड्रेस देने वाला भी स्वीकार नहीं करता कि करेगा, वो ही नहीं मानेगा। तुम छोड़ दो और कोई, वो तो पल दो पल की बात है, उसकी क्या मान्यता। तो क्या याद रखना होता है? परमानेंट एड्रेस। लेकिन साथ ही साथ ये भी नहीं भूल सकते कि 502 है, नहीं तो 702 में घुसोगे और पिटोगे। तो जीवन माने ये दोनों बातें याद रहें। क्या 502 माने? 502 माने 900 चूहे खाए, क्योंकि जब तात्कालिक है वहां तो यही चल रहा है, भ्रम भूल दुख गुनाह यही चल रहा है, वो याद रखना है। 502 में तो फंसा ही हुआ हूं। और साथ ही साथ ये भी नहीं भूलना है कि सराय है ये, 502 में चेक इन किया था, चेकआउट भी होगा, असली घर कहीं और है। असली घर क्या तुम्हारा 502 से निकलने के बाद कुछ और होगा? या बोलो क्या ऐसा होगा कि जिस दिन 502 में तुम्हारा निवास खत्म हुआ उस दिन तुम्हें कोई और घर मिलेगा? या असली बात यह है कि जब तुम 502 में रह रहे हो ठीक उस पल भी असली घर तो कोई और ही है? तो इस बात को फिर कह रहा हूं, द्वैत में मत रख देना। ये ना कह देना कि तात्कालिक पता शाश्वत पते का विपरीत होता है। ये मत मान लेना कि जब एक खत्म होगा तब दूसरा शुरू होगा। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा शाश्वत पता तुम्हारे तात्कालिक पते का आधार है। तात्कालिक पते आते जाते रहते हैं, शाश्वत पता आज 502 है, कल 211 होगा, परसों 356 होगा। होटलों के कमरे तो बदलते रहे हैं ना, जीवन में न जाने कितने होटलों में तुम घुसे हो और फिर बाहर आए हो, पर असली पता तो एक ही रहा है। जब होटल में भी हो तब भी असली पता मत भूलो, और साथ ही साथ होटल का कमरा नंबर भी मत भूलो, कि दोनों बातें एक साथ याद रखनी है। पहली बात क्या अभी किस कमरे में हूं, अभी क्या हालत बना रखी है अपनी, और दूसरी बात क्या असली पता क्या। दोनों बातें इसी बात का आपने ओशो की शायद एक बात समझाई।
जो नकली है उसे भी मान्यता देनी होगी। तुम्हारे लिए तो है ही, अभी तो है ही, होगा असली घर, अभी कहाँ हो, अभी अगर होटल में हो तो होटल को मान्यता देनी होगी, छुपा कैसे सकते हो इस बात को। जब तुम्हें ये लगातार याद रहता है कि तुम वो हो जिससे गलती हो ही नहीं सकती, तो गलती फिर मानना आसान हो जाता है। ये बात विरोधाभासी है, पर इसको समझो, जो जानता है कि उससे गलती हो ही नहीं सकती, वो बहुत विनम्र होकर अपनी गलती मान लेता है, क्योंकि उसको पता है कि मान भी लिया तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। और जिसको ये याद नहीं कि वो है जो निर्विकार है, जो कभी गलती कर नहीं सकता, उसको अपनी गलती मानने में बड़ा दुख होता है, बड़ा संशय होता है, क्योंकि उसको लगता है अगर गलती मान ली तो जैसे कोई शाश्वत धब्बा लग जाएगा अपने ऊपर। बड़प्पन की पहचान यही पाओगे हमेशा, वहां गलती तुरंत मानी जाएगी। और क्षुद्रता की पहचान पाओगे कि वहां अकड़ रहेगी, वहां नहीं माना जाएगा। जो बड़ा है उसके लिए हर भूल छोटी हो गई, जो छोटा है उसके लिए छोटी से छोटी भूल भी बड़ी हो गई। तो 900 नहीं, तुम अपने 9000 चूहे स्वीकार करो। तुम इतने बड़े हो कि 9000 चूहे भी खा लिए हैं। कोई बात नहीं, परमात्मा को देखो, वो तो महाकाल है। पहले दिन से लेके आज तक जितने जीव जंतु पैदा हुए वो सबको खा गया, उसे लाज आती है? तुमने तो 900 चूहे खाए, उसने कितने चूहे खाए सोचो। ये सब जितने मरते हैं ये सब काल के मुंह में ही तो जा रहे हैं, और काल माने और कौन, महाकाल। वो तो बैठा बैठा पूरे विश्व को खा रहा है। जब उसको नहीं बुरा लगता तो तुम्हें क्यों लग रहा है? वो सिर्फ जन्मदाता ही है क्या? तो फिर मृत्युदाता कौन है? मैं दोनों हूं, मैं दोनों हूं, भूलों का पुतला और वो जो भूल कर ही नहीं सकता। और जब तुम दोनों होते हो तो फिर भूले होनी कम हो जाती है। फील गुड नहीं कह रहा, मैं साफ साफ कह रहा हूं कि मानो कि मैंने तो 900 खाए, मानो कि एक से बढ़कर एक गुनाह मैंने, और साथ ही साथ याद रखो कि गुनाहगार होना मेरा स्वभाव नहीं, मेरी नियति नहीं, ये तो काल का, प्रकृति का संयोग है कि गुनाह हो गए।